हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और मैं फिर एक नए वीडियो के साथ वापस आया हूँ। इस वीडियो में आपको डेवलपर ऑप्शन के बहुत से इनबिल्ट फीचर बताने वाला हूँ। और सबसे अजीब बात, इस वीडियो के टाइटल में पार्ट वन लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि डेवलपर ऑप्शन तो बहुत से फीचर के पास बहुत से फीचर होते हैं और मैं पूरा एक बार में नहीं बता सकता, इसलिए मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है तो उसे इनेबल करना होगा। उसके लिए बस सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाके सबसे अंत में अबाउट डिवाइस देखिएगा। अबाउट डिवाइस में बिल्ड नंबर पे अगर 3-4 बार कंटिन्यूसली टाइप कीजिएगा ना, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल लिखे हैं नीचे, मेरा पॉलिस है इसलिए देखा नो नीड। तो ये डेवलपर ऑप्शन को खोलते हैं। डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। देखिए इसमें बहुत से फीचर हैं जो आपको मालूम भी नहीं होगा या आपको यूज करना नहीं आता होगा। इसमें सबसे पहला फीचर है टिक बग रिपोर्ट। टिक बग रिपोर्ट को इनेबल करने के लिए पहले इसको यूएसबी डिबग ऑन करना होगा। यूएसबी डिबग ऑन हो गया। फीचर है टेक बग रिपोर्ट। इस फीचर को इनेबल पे ये फोन का बग को कैप्चर या रिकॉर्ड करके रिपोर्ट बनाता है जिसे आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ये फीचर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये फीचर उसके लिए अच्छा है जो जिसके फ़ोन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे अगर किसी फ़ोन में बग हो जाता है तो उसको कैप्चर या रिकॉर्ड करके उसको रिपोर्ट बनाते हैं और उसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी फीचर है। दूसरा फीचर है डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड। इसको इनेबल करने के लिए इसमें पासवर्ड असेट करना होता है। इससे ये होगा कि अगर आप फ़ोन किसी अपने फ्रेंड को देते हैं और आप किसी जरूरी काम से कहीं चले जाते हैं तो अगर फ्रेंड आपका फ़ोन पीसी से कनेक्ट करके अगर फ़ोन का डाटा ट्रांसफ़र करता है तो उसको ट्रांसफ़र के लिए उसे पासवर्ड मांगेगा जो आपने अभी असेट किया होगा। तो भी बहुत अच्छी फीचर है। तीसरा फीचर है स्टे अवेक। इस फीचर को इनेबल करने पर अगर आपका फ़ोन चार्जिंग में है तो अगर फ़ोन का स्क्रीन का कभी टाइम आउट नहीं होगा। यह फीचर उस समय काम आता है जब आप इंटरनेट से ढूंढ कर कुछ नोट कर रहे हैं तो इसका आपका फ़ोन का स्क्रीन का टाइम आउट नहीं हो पाएगा और आप आराम से लिख पाओगे। तो भी बहुत अच्छी फीचर है। चौथा फीचर है ब्लूटूथ HSI स्नूप लॉग। इसको इनेबल करने पे अगर ब्लूटूथ से कोई भी संबंधित जानकारी या कोई भी अगर सिग्नल पकड़ता है तो उसे फ़ोन स्टोरेज में जाकर उसको सेव कर देगा एक ही फाइल में। इसे इसके मदद से आप कुछ भी ब्लूटूथ अगर उसे खुला रहता है हमेशा ब्लूटूथ खुला रहता है उसके लिए ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी ब्लूटूथ सिग्नल पकड़ा तो जाकर फ़ोन स्टोरेज में जाकर उसको शो कर देता है। ये भी एक बहुत अच्छी फीचर है। पाँचवा फीचर OEM अनलॉक इतना इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है, बस इसे इसको इनेबल करने पे आपका पर्सनल डाटा शेयर नहीं हो पाएगा। बस यही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसको ध्यान दीजिए। छठा फीचर है प्रोसेस स्टेटस। इसको ये फोन में कैसा प्रोसेस चल रहा है वही बताएगा आपको। ये देखिए, ये इतना परसेंट रैम ले रहा है, ये इतना परसेंट ले रहा है, आपका फ़ोन का स्टेटस भेज दे रहा है। ये सो सिस्टम स्टेटस, सिस्टम स्टेटस रिफ्रेश, बस कुछ नहीं है। सिस्टम है कैसे कैसे ऐप कैसे काम कर रहा है वैसे ये बताता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूँगा वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।